Hello students, today I am discussing your first chapter, studying the past. बच्चों ये chapter मैंने आपको कल कराया है आधा, क्योंकि chapter काफी lengthy है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा कराएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. आज मैं इस chapter की reading पूरी complete करूँगी. Various sources of history, इतिहास के विभिन्न स्रोत. If someone occurred thousands of years ago, how do we find out what actually happened at the time? We learn about it from the evidences which our archaeologists analyze and reconstruct the past. अगर हजारों साल पहले कुछ हुआ था तो हमें कैसे पता चलता है वास्तव में उस समय क्या हुआ था, ये इसके बारे में हम कैसे सीखते हैं? हम अपने पुरातत्व के विश्लेषण से सीखते हैं, आर्कियोलॉजी के द्वारा हम सीखते हैं. A historian's work is similar to that of a detective. Just as a detective solves a mystery with the help of clues, a historian solves the history of past with the help of historical clues. इतिहासकार एक जासूस की तरह काम करता है, जैसे कि एक गुप्तचर की मदद से एक रहस्य सुलझाता है. एक इतिहासकार अतीत के इतिहास को हल करता है. He begins with some clues such as a piece of writing, a wall of painting, or even some broken pieces of pottery. From these, he slowly puts together the history of period. ऐतिहासिक सुरागों की मदद से वह कुछ सुरागों से शुरू होता है, जैसे दीवार की पेंटिंग हो गया, टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े हो गए. इनमें से वह धीरे धीरे अवधि के इतिहास को एक साथ रखता है. इन सुरागों को इतिहास के स्रोत और इतिहासकार के लिए स्रोत सामग्री कहा जाता है. These clues are called the sources of history and are the source material of historians. This source material can be divided into two categories, that is archaeological and literary. इन शोध सामग्री को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो कि है archaeological और साहित्यिक. Archaeological यानी कि पुरातत्विक. Literary sources यानी कि लिखित शोध. The written records of the past are called manuscripts. These writings are available on a variety of surfaces, such as palm leaves, the bark of the birch tree, and the letter on paper. अतीत के लिखित अभिलेखों को पांडुलिपियां कहा जाता है. मैन्युस्क्रिप्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पांडुलिपियां. ये लेखन विभिन्न प्रकार की सतहों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पाम ब्रांच के पेड़ की छाल. पाम ब्रांच अपने पेड़ की छाल छोड़ता है और फिर वह कागज पर छोड़ता है. साहित्यिक शोध सामग्री को दो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष में विभाजित किया जा सकता है. The literary source material may be divided into two religious and secular. यानी कि इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. पहला है धार्मिक साहित्यिक शोध, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष. रिलीजियस लिटरेचर धार्मिक साहित्य. राइटिंग्स डीलिंग विद रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर. धर्म से संबंधित लेखक धार्मिक साहित्य का निर्माण करता है. मैनी बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स. फॉर द एनिशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द वेदास, द रामायण एंड महाभारत, द गीता, द पुराण्स एंड द जातक टेल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कई पुस्तकों में धार्मिक विषय हैं. भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के लिए वेद, रामायण और महाभारत, गीता, पुराण और जातक कथाएं सूचना का एक सम्बद्ध स्रोत है. They give new historical detail and also prove that the information we already have through other sources is correct. वे नए ऐतिहासिक विवरण देते हैं और यह भी साबित करते हैं कि अन्य स्रोतों के माध्यम से हमारे पास पहले से मौजूद जानकारी सही है. Secular literature यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य. लिटरेचर डैट इज नॉट रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर. जो साहित्य धार्मिक नहीं उसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा जाता है. These include poems, plays, accounts of foreign travelers, and works on science and politics. ये कविताएं विदेशी यात्रियों के खाते और विज्ञान और राजनीति पर काम करती हैं. The Arthashastra of Kautilya, the Indica of Megasthenes, the work of Kalidasa, and the account of Fa, Heen, and Huan Tasang are some examples of secular literature produced during the ancient period. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंडिका ऑफ मैग्नेसिस, कालिदास की रचनाएं और फाहीन और हुआन का लेखा जोखा प्राचीन काल के दौरान उत्पन्न धार्मिक निरपेक्ष साहित्यों के कुछ उदाहरण हैं. दिस टाइप ऑफ लिटरेचर गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम्स व्हेन इट वाज रिटन. ये क्या है? उदाहरण है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत. The time passes, some remains of ancient civilizations get buried under the earth. समय बीतने पर प्राचीन सभ्यताओं का कुछ अवशेष पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं. These remains have to be dug out
बाय आर्कियोलॉजिस्ट, इन अवशेषों को पुरातत्व द्वारा खोदा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया द इंडस वैली सिविलाइजेशन गॉट बुरीड अंडर द अर्थ. उदाहरण के लिए भारत में सबसे पुरानी मानव बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता पृथ्वी के नीचे दब गई. दिस एग्जोटिक रिवील्ड मैनी मेटीरियल रिमेन्स विच हैव हेल्प्ड हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. जो पुरातत्व द्वारा खोदे गए, इस खुदाई में कई सामग्रियों के अवशेष का पता चलता है, जिससे इतिहासकारों को इस अवधि के इतिहास को फिर से बनाने की मदद मिलती है. आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज आर ऑफ थ्री काइंड्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. पुरातत्व शोध तीन प्रकार के हैं, शिलालेख, स्मारक और अन्य वस्तु. अब हम पहला पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिलालेख. रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, केव वॉल्स, वॉल्स ऑफ फोर्ट्स, प्लेसेस एंड टेम्पल्स एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टैबलेट्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. चट्टानों के खंभों को, गुफाओं की दीवारें, किलों की दीवारें, मंदिरें और मिट्टी और तांबे की गोलियों पर उत्कीर्ण लिखित अभिलेखों को शिलालेख कहा जाता है. दीस प्रोवाइड हिस्टोरियंस विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड डेट्स ऑफ किंग्स, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स, द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर रीजन्स एंड सो ऑन. ये इतिहासकारों को किंग्स के नाम और तारीखों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं, जो उनके साम्राज्य की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं. बिसाइड पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोसाइटी ऑफ अर्लियर टाइम्स एंड द रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल. राजनीतिक इतिहास के अलावा शिलालेख भी पहले के समय के समाज और लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो द हिस्ट्री ऑफ द मयूरास लार्जली थ्रू द अशोकन इंस्क्रिप्शंस. उदाहरण के लिए हम बड़े पैमाने पर असुरों के शिलालेखों के माध्यम से मयूरों के इतिहास को जानते हैं, मौर्यास के इतिहास को जानते हैं. नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? स्मारक. ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स. ऐतिहासिक महत्व की पुरानी इमारतों को स्मारक कहा जाता है. दे प्रोवाइड अस विद क्लूज ऑन द पीरियड इन विच दे वर बिल्ड. वे हमें उस अवधि की सुराग प्रदान करते हैं जिस अवधि में उनका निर्माण किया गया था. दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, द सोशल लाइफ, देयर रिलीजियस बिलीव्स, देयर कल्चर एटसेट्रा. वे लोग उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं कि उनकी धार्मिक मान्यता, उनकी संस्कृति आदि है. टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्टूपास एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स विच मेक द पास्ट कम अलाइव. मंदिरों के किले, स्तूप और आवासीय परिसर युद्ध स्मारकों की श्रेणियां हैं जो अतीत को जीवित बनाते हैं. अदर ऑब्जेक्ट्स यानी कि अन्य तथ्य. People in the past made many kind of things, pottery, metalware, coins, textiles, jewelry, etc. अतीत में लोगों ने नई कई तरह की चीजें बनाई थी, जैसे धातु के बर्तन, सिक्के, वस्त्र, गहने आदि. ये खुदाई के माध्यम से पास आए. They are found through excavations. Excavations होता है बच्चों जो खुदाई में निकला. Coins are an extremely valuable source of information. सिक्के सूचना का एक अत्यंत मूल्यवान स्रोत है. They tell us about the reason of kings, the economy of earlier times, the extent of a king's empire, and about trade with other lands. वे हमें राजाओं के शासनकाल के बारे में बताता है, जो पहले के समय में एक राजा के साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और अन्य भूमि के साथ व्यापार के बारे में था. Coins also threw light on the art and religion of earlier times. सिक्के भी कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं जो पहले के समय में खुदाई के दौरान मिले. Coins found during excavations are displayed in various museums all over the world. सिक्कों को दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है. History is a fascinating subject to learn. इतिहास सीखने के लिए एक आकर्षक विषय है. It is the story of mankind. ये मानव जाति की कहानी है. Like all good stories, it has comedy and tragedy, emotion and drama, excitement and mystery. सभी अच्छी कहानियों की तरह इसमें कॉमेडी है, ट्रेजेडी, इमोशन और ड्रामा, एक्साइटमेंट, मिस्ट्री है. व्हाट मेक्स इट इवन मोर फैसिनेटिंग इज दैट इट इज ऑल ट्रू. द कैरेक्टर ऑफ हिस्ट्री वर ऑल फ्लैश एंड ब्लड वंस अपॉन अ टाइम. और यह और भी अधिक आकर्षक है, यह भी सच है.
थैंक यू।